नमस्कार, सवाल इंडिया के मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। आज सबसे पहले चर्चा शुरू करेंगे किस तरीके से भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो लगातार विवाद और गिरावट की ओर दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें तनाव दिखाई पड़ रहा है। इंटरनेशनल किरकिरी जिस तरीके से कनाडा की हो रही है उसको लगातार देखा जा रहा है कि भारत ने एक अलग रूप में इस बार जवाब देने की कोशिश की है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर एंटनी रोटा के इस्तीफा हो गया है। दरअसल सदन में एक पूर्व नाजी सिपाही को सम्मानित करने को लेकर वो निशाने पर थे। इस मामले में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी माफी मांगनी पड़ी है। वहीं मंगलवार को न्यूयॉर्क में काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में संगठित अपराध के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा के पास यदि ठोस सबूत है तो उसे सामने रखे, हम उस पर विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस दौरान कनाडा के हमदर्द बनने वाले देशों को भी विदेश मंत्री ने खरी खोटी सुनाई। जयशंकर ने कहा कि आतंक पर प्रतिक्रिया सियासी सहूलियत के हिसाब से नहीं हो सकती। वो यूएन में उन्होंने इशारों इशारों में कनाडा पर हमला करते हुए बोला कि राजनैतिक सुविधा के हिसाब से आतंकवाद का समर्थन करना ठीक बात नहीं। जयशंकर ने यह भी कहा कि कूटनीति और बातचीत से तनाव घटेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए। वहीं भारत और कनाडा के संबंध में दरार को लेकर अमेरिका भी निशाने पर है। अमेरिका पर इस मामले में डबल गेम खेलने का आरोप लगाया जा रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर से इस मामले पर एक बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कनाडा के आरोप चिंता का विषय हैं और इस मामले में दिल्ली जांच में सहयोग करे। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस तरीके से आतंकवाद और अपराध को लेकर कनाडा को कटघरे में खड़ा किया। यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट कैन दैट इन द लास्ट फ्यू इयर्स कनाडा एक्चुअली हैज सीन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यू नो रिलेटिंग टू यू नो द सेसेशनिस्ट फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वायलेंस एक्सट्रीमिज्म They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, you know, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. Do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in if you have to understand what is going on out there. And our concern is that, it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened. Our consulates have been attacked, and often comments are made about there's interference in our politics, a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. But if there are specific pieces of evidence that they provide, the government of India will cooperate with them in terms of. I mean, look, if somebody gives me something specific, it doesn't have to be restricted to Canada. But if there's any incident which, is an issue, and somebody gives me something specific as a government, I would look at it. Of course, I would look at it. तो आपने सुना किस तरीके से विदेश मंत्री सीधे सीधे कह रहे थे कि देखिए कुछ स्पेसिफिक देंगे तो हम उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन
कनाडा का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरीके से ये जो संगठित लोग हैं, ये जो आतंकवादी हैं और उसके साथ साथ क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, ये कनाडा के लिए भी एक बड़ी परेशानी बन के इस वक्त खड़े हुए हैं। उनको इस बारे में भी सोचना चाहिए। इस पर जैसे हमने आपको पहले बताया, अमेरिका क्या रुख ले रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए कनाडा एक बड़ा पुराना उनका सहयोगी है, भारत उनका एक बड़ा घनिष्ठ उनके साथ रिश्ता बनता जा रहा है, भारत एक नया सहयोगी है, तो अमेरिका इस पर क्या कह रहा है, ये भी जरा आपको सुनवाते हैं। We are obviously quite concerned about the situation in Canada. We've cooperated closely with our Canadian counterparts, and we have urged India to cooperate in that investigation, and will continue to do so. And India remains an important partner of the United States. We work with them on a number of issues, but of course, we on this matter, we urge them to cooperate with the Canadian investigation. तो ये तो कनाडा को लेकर जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान था। उससे पहले कल यूएन में भी उन्होंने इशारों इशारों में कनाडा के ऊपर हमला बोला। अब मैं सीधे इस पर चर्चा करने के लिए कि आगे की राह क्या है और क्यों कनाडा इस वक्त जिस तरीके से हम देख रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में लगातार बात की जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इस वजह से शायद वो इसको ज्यादा उठा रहे हैं, लेकिन इसका रिश्तों पर कैसे असर पड़ेगा, क्या है ये खालिस्तानी एलिमेंट, क्योंकि निजर की बात अगर करें उससे पहले भी और भी कई सारे गैंगस्टर जो हैं पंजाब से निकलकर कनाडा में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको सुरक्षित महसूस होता है, अब कनाडा की धरती पर भी वो परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, तो उसके लिए विशेषज्ञ जो हैं वो क्या कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ क्या बात कह रहे हैं, और साथ ही साथ कूटनीति में आगे क्या करने की आवश्यकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्कंद दयाल साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनायक हैं, हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दयाल साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अब ये बात क्योंकि काफी दिनों से चर्चा में है कि कनाडा का खुद का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जस्टिन ट्रूडो ने उनको किस तरीके से इस पूरे मामले को शायद तूल देने की सबसे बड़ी वजह वही है, लेकिन सिर्फ कनाडा के भारत में नहीं, कनाडा के अंदर भी उनके खिलाफ इसको लेकर काफी आवाजें उठ रही हैं, भारत से जिस तरह से वो रिश्ते हैंडल कर रहे हैं उसकी खिलाफत भी काफी ज्यादा हो रही है, तो कब तक जस्टिन ट्रूडो इस तरीके से भारत के खिलाफ या भारत की खिलाफत में बात कर सकते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को छोड़कर? उनको यह भी देखना होगा कि उन्हें आगे भी चुनाव लड़ने और एक महत्वपूर्ण पार्टनर है भारत। जी हाँ, अगर आप कनाडा के प्रेस को देखें और काफी वहां पे एनालिस्ट कह रहे हैं कि जिस तरह का जस्टिन ट्रूडो ने एक राजनीतिक एक लगाया है आक्षेप भारत के ऊपर, किसी ने तो ये भी कहा है कि क्या भारत उनकी कनाडा की फॉरेन पॉलिसी कौन चला रहे हैं, जगमीत सिंह चला रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर फिर ट्रूडो चला रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो चला रहे हैं, तो इस तरह ये आवाज देखिए वहां पे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और जगमीत सिंह की है, वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर पार्टी है, और तो क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन वगैरह बहुत अधिक है कनाडा में, तो बहुत सारे ऐसे आर्थिक मुद्दे हैं जिसकी वजह से उसको सपोर्ट है, और जो अगर 20% वोट उस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलता है तो कोई कोई खालिस्तानी सपोर्टर्स नहीं है वो, वो जगमीत सिंह बाई चांस उसके बन गए हैं लीडर, वो अलग चीज है, पर ये कभी ना समझा जाए कि जो 20% वोट न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का है वो खालिस्तानी सपोर्टर्स का है, क्योंकि अभी हमने जैसे देखा कि जो भी 3 डेमोन्स्ट्रेशन वैंकूवर में हुए, टोरंटो में हुए, ओटावा में हुए, हार्डली 200 लोग खालिस्तानी सपोर्टर वहां झंडे लेकर आए, तो अगर ये जस्टिन ट्रूडो समझते हैं कि इस खालिस्तान के मुद्दे की वजह से उन्हें कोई पॉलिटिकल बहुत मदद मिलने वाली है, मैं समझता हूँ गलत समझते हैं, और जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो कनाडा में लोग हैं, आम आदमी है, उसको खालिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता है, वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है, पर जो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो उन्होंने गुरुद्वारों पे कब्जा कर लिया है और उसकी तरह से वो पैसा काफी इकट्ठा कर लेते हैं और पार्टीज को देते हैं, वो एक अलग चीज है, उसकी उनकी प्रेजेंस है, पर वहां कनाडा में ये आवाज उठने लगी है कि भारत जो एक अब विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति होने जा रहा है उसके साथ संबंधों को इतना खराब कर लेना एक ऐसे मुद्दे की वजह से जो कनाडा का मुद्दा तो है नहीं, और जिस तरह हमारे विदेश मंत्री जयशंकर तो बेसिक प्रिंसिपल्स पे गए कि भाई आप क्या बात करते हैं, आप तो कहते हैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है,
आप चले गए अफगानिस्तान लड़ने चले गए, कैनेडियंस इराक चले गए जहां एक भी टेररिस्ट नहीं था, और आपके यहाँ जो टेररिस्ट हैं और जो हमारे भारत में टेररिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं, मतलब तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड ने उनके डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर कटाक्ष किया है। बात की है कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत डबल हैं, जब आप टेररिज्म की बात करते हैं तो आप अलग तरह के पैमाने अपते हैं, जब भारत की बात होती है, खालिस्तानी समर्थकों की उनके बात होती है। मेजर जनरल सहगल, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो खालिस्तान का मुद्दा है, जब ये भारत में ही इतना तूल नहीं पकड़ पाया है, अगर इतना बड़ा मुद्दा होता खालिस्तान का और इतना जबरदस्त सपोर्ट होता, तो अभी जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले देखा था अमृतपाल जो अपने आप को भिंडरेवाला की शक्ल का और उस तरीके से फैशन कर रहा था, उसकी अरेस्ट हुई, चार लोग कहीं पर भी पंजाब में इकट्ठे होकर उसके समर्थन में कहीं पर दिखाई नहीं पड़े, तो कैनेडा के अंदर जिस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो पनप रहे हैं, और वो गैंगस्टर्स भी हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं, भारत से भाग के भी जाते हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भारत ने जो स्टैंड लिया है उसकी आप कैसे समीक्षा करते हैं? देखो, भारत का स्टैंड बहुत ही अहम है। भारत ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि इंडिया ऑफ टुडे सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हम अपनी एकता और अखंडता को और अपने हितों को हर पद से सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, अब दोहरे मापदंड मत लीजिए, आप टेररिज्म को उत्साहित कर रहे हैं अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के, अपने पर्सनल गेन्स के लिए। बड़े साफ तौर पर नजर आता है कि जहां तक जस्टिन ट्रूडो है, उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर और सबसे बड़ी मिस्टेक की है कि हिंदुस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाए जो बेबुनियाद है, किसी प्रकार का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जहां तक फाइव आईज नेशन है, वो और G7 नेशन ने भी उनको उस माफी का सपोर्ट नहीं दिया जिस माफी का सपोर्ट की उनको अपेक्षा थी। और वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है, जहां तक हिंदुस्तान और कनाडा का रिलेशन है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, डिफेंस स्ट्रेटजी, ट्रेड और इमिग्रेशन पॉलिसीज में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि दे आर फार मोर इम्पोर्टेंट देन दिस मुद्दा। उन्होंने कहा ये मुद्दे, और हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि आपने जो इल्जाम लगाए हैं इसके ऊपर आपने किसी प्रकार का कोई भी एविडेंस नहीं दिया, आप एविडेंस दीजिए तो हम आपके आपकी हर प्रकार से मदद करने के लिए। सहगल साहब, एक बात मुझे और बताइए कि जिस तरीके से अब NIA का क्रैकडाउन चल रहा है खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर, सिंपथाइजर्स जो कनाडा में बैठे हुए हैं उनका भारत के अंदर प्रॉपर्टीज को सीज करना, रेड करना, उस पर जो एक एक्शन चल रहा है, दूसरा दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए कि किस तरीके से ISI और ये जो खालिस्तानी एलिमेंट वहां बैठे हैं, चाहे गुरबटवंत सिंह पन्नू हो, चाहे बाकी लोग हो, कनाडा उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है कि पाकिस्तान की ISI किस तरीके से उनका समर्थन कर रही है एंटी इंडिया एक्टिविटीज में, वो भारत के ऊपर आरोप जरूर लगा रहा है, तो जरा दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित है ये पूरा प्रोपेगेंडा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो ISI है बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रही है कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये फैलाने के लिए कि वास्तव में ये हिंदुस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान का इसमें किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। अगर आपने वो 90 सेकंड्स का वीडियो देखा है जिसमें निज्जर की हत्या हुई है, तो साफ तौर पर नजर आता है कि ये हत्या के पीछे हिंदुस्तान नहीं, शायद ISI हो सकता है और ISI के अलावा चाइना भी हो सकता है। उनकी जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके से फंसाया जाए और हिंदुस्तान और वेस्ट के रिलेशन और हिंदुस्तान और कनाडा के रिलेशन को बदतर किया जाए, क्योंकि उसका गेम केवल और केवल चाइना को और पाकिस्तान को होगा। जहां तक हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान मूवमेंट है, खालिस्तान मूवमेंट कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। मैं तो साल उस मूवमेंट में 88 साल रहा, वहां के हर फैमिली के कुछ ना कुछ लोग बड़ी बुरी तरह से उसका उनका नुकसान हुआ, और वो नहीं चाहते कि दोबारा किस माफी की कार्रवाई हो। बहुत लाजमी है कि बड़े पैमाने पर जो रेड्स हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, हवाला के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से, आर्म्स के माध्यम से, एमुनिशन के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। जो कनाडा में इस्माफी की गतिविधियां हैं, अमेरिका में इस्माफी की गतिविधियां, उनको उछाल दिया जाए। पर दयाल साहब, अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका अभी भी थोड़ा सा एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश इस पे कर रहा है भारत की ओर से, और राजनयिक अगर हम कूटनीतिक तौर पर देखें और डिप्लोमेसी के अगर लेवल पर देखें, तो क्या भारत की ओर से और कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि विदेश मंत्री दो टूक शब्दों में कह चुके हैं, हम हाउ शुड वी स्टेप अप द प्रेशर? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह के पब्लिक स्टेटमेंट्स आए हैं 5 आईज के, सब विदेश मंत्रियों के आए हैं, उनके अपने रीजंस हैं,
पर हमें पब्लिकली केवल कनाडा को ही घेरना चाहिए। हर देश के साथ संबंध होते हैं, भारत के संबंध अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी है। अमेरिका को भारत से कुछ एक्सपेक्टेशन है पर हमने वो नहीं किया। और मैं एक ये कहना चाहूंगा, देखिए अमेरिका कनाडा तो 200 साल से साथ है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए 2018 में अमेरिका के कहने पर हुआवी की मैंग वांगजेन को कनाडा ने पकड़ लिया था एक्सटेडिशन करने के लिए अमेरिका, और उसमें कनाडा और चीन के बीच में बहुत ज्यादा बदमजगी हुई थी, दो कैनेडियंस को चाइना ने पकड़ लिया था। तो सब देशों के बीच में अपने अपने संबंध होते हैं, कनाडा ने अमेरिका के लिए बहुत किया है, तो अमेरिका इस तरह पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा है, हमें उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए और प्राइवेटली बात करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि अगर आप उसामा बिन लादेन को वहां जाके मार, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने मारा, पर अगर टेररिस्ट कहीं भी है तो जो देश उससे हानि मिल रही है उसको ये अधिकार है, उन्होंने खुद ही किया। अभी सुलेमानी को जाके उन्होंने जो ईरानियन था इराक बगदाद में मार दिया, तो वो किस मुंह से ये बस सब बात कर रहे हैं। तो हमें पर ये बात पब्लिकली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हमें हर देश की कूटनीति विदेश नीति को समझना चाहिए। और इस समय हमारी जो लड़ाई है वो केवल जस्टिन ट्रूडो से है ये भी समझना चाहिए। कनाडा के साथ जैसा जनरल साहब ने कहा और भी संबंध है, 12 बिलियन ट्रेड है, उनके रक्षा मंत्री आए हुए हैं, तो वो सब अपनी तरफ चलना चाहिए। पर जहां कनाडा गलत है, जहां वो हमारी अखंड क्षेत्रीय अखंडता के ऊपर वहां से वार हो रहा है, उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे दर्शकों को थोड़ा सरलता से पूरा मामला समझाने के लिए भी, और उस पर आगे क्या करना चाहिए आगे देखते हुए उस पर भी बात करने के लिए। क्योंकि जैसे तायल साहब कह रहे थे कि जो लड़ाई है वो जस्टिन ट्रूडो से, एक प्रधानमंत्री से, सरकारें आती जाती हैं, देशों के बीच में रिश्ते जो हैं वो एक निरंतरता उसमें कहीं ना कहीं जरूर रहती है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को समझाने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर मतलब दिल दहला देने वाली है और साथ साथ हम सब पर एक सवाल उठाती हुई खबर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। ये जो घटना सामने आई है ये सवाल जरूर उठाती है कि क्या हम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि किसी की मदद के लिए भी सामने आने में हिचकिचाते हैं। 12 साल की एक मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के साथ कुछ अज्ञात हैवानों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसने पूरे समाज को कम से कम उसका बेदर्द चेहरा सामने रखा है। सीसीटीवी फुटेज में दुष्कर्म के बाद ये बेबस बेसुध लहूलुहान बच्ची कई घरों पे दस्तक देती नजर आ रही है, लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन लोग उसे धुतकारते नजर आ रहे हैं। मदद के लिए एक भी व्यक्ति सामने नहीं बढ़ रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखाई पड़ रहा है, एक जगह पर एक पुरुष खड़ा है जो उस लड़की को हाथ से इशारा कर रहा है कि जाओ हमारे घर के सामने से। उज्जैन से करीब 15 किलोमीटर दूर बड़नगर रोड पर अर्धनग्न हालत में लहूलुहान यह बच्ची जब कराती हुई सोमवार को दांडी आश्रम पहुंची तो वहां पर पुजारी हैं, लोग हैं, उन्होंने इस लड़की को कपड़ों से ढककर पुलिस को सूचित किया, उन्होंने इसकी मदद की। और यह तब हुआ जब वो कई घंटों से कम सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है कि किस हालात में दर दर लोगों के घरों पर जाके मदद मांगती हुई दिखाई पड़ रही है। उसके बाद उसका इलाज शुरू किया गया, मेडिकल जांच से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है और पीड़िता की हालत काफी गंभीर थी। पुलिस ने उसके बाद इसे इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत में सुधार आया। पुलिस के जवानों ने इस बच्ची को रक्तदान दिया क्योंकि इसको रक्त की काफी आवश्यकता थी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में रेप का केस दर्ज कर लिया है और एक एसआईटी का गठन कर छानबीन शुरू कर दी है। बच्ची की टूटी फूटी भाषा में पुलिस अंदाजा लगा रही है कि शायद बच्ची उत्तर प्रदेश से है, प्रयागराज जिले से है, लेकिन अभी तक वो इस हालत में नहीं है कि वो बता पाए कि उसका घर कहां है, उसके मां बाप कहां पर है। लेकिन इस घटना ने
हम सब पर, पूरे समाज पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफर किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। मैंने डिटेल मंगाया है, SP से अभी बात हुई है, पूरा डिटेल आ रहा है। मेरे सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग द्वारी कई सालों से मध्य प्रदेश पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। अनुराग, इतने साल से शायद हम लोग रिपोर्टिंग करें लेकिन उसके बाद भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आपको भी झंझोड़ के रख देती हैं, और इसके साथ जो हुआ उस पर जितना गुस्सा है उससे ज्यादा गुस्सा है कि समाज किस हद तक बिल्कुल संवेदनहीन हो गया है। अंकित, कभी कभी ऐसे वाकये होते हैं जो रोज आपको बतौर इंसान थोड़ा बहुत मार देते हैं। शायद ये वाकया जब सुबह ये तस्वीर मैंने देखी तो मेरे जहन में कुछ ऐसी ही तस्वीरें उभर रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति ओंकार पर्वत पर अभी उसकी जो प्रतिमा का अनावरण हुआ था, और आदि गुरु शंकराचार्य से जब उनका परिचय उनके गुरु ने पूछा था तो उन्होंने जो जवाब दिया था उसको निर्वाण षटकम कहते हैं। जब वो कहते हैं न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि ये घटना उस नगरी में हुई है जो जो पौराणिक मान्यताएँ हैं जिसके अनुसार उज्जैनी, जिसको कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, और वहाँ भगवान शिव के जो एक अवतार माने जाते हैं वो अपना परिचय इस रूप में देते हैं, और उस शहर में एक घटना हुई वो तो ठीक है लेकिन उसके बाद वो बच्ची 8 से 10 किलोमीटर 2-2.5 घंटे तक चलती रही। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जहां पर शायद उस दरवाजे में अगर जान होती तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, लेकिन जिस शख्स में जान थी वो मुर्दा दरवाजे की तरह खड़ा रहा और उसने उस बच्ची को अंदर नहीं लेकर आया, न उसे कपड़ा दिया जिससे वो अपना तन ढांक सके। बाद में वो एक आश्रम में पहुंची, वहाँ के आचार्य ने एक उसको अस्पताल में, चरक अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ से इंदौर रेफर किया गया जहाँ उसकी हालत अभी खतरे से बाहर है, ये उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट है। दूसरी इस मामले में अहम अपडेट ये है कि एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के कुछ आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है लेकिन वो बातचीत बहुत ही गंभीर है जिसे हम अभी फिलहाल अपने दर्शकों को नहीं बता सकते, उस कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो बहुत ही चिंताजनक है इस मामले में। बहरहाल लेकिन कुछ आंकड़े तो हम ज़रूर बता सकते हैं अंकित, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां NCERB के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाएं लापता हुई हैं महाराष्ट्र के साथ। ये वो राज्य है जो बताता है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ यहां पर दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं 2021 में, और उसमें आधे से भी ज़्यादा यानी 3,500 से ज़्यादा नाबालिग हैं। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं हम सब के लिए। सरकारें क्या करती हैं, सिर्फ प्रतीक गढ़ती हैं, क्योंकि जब से शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार सत्ता संभाली है हर बार मंच से वो बच्चियों की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, ये हर सरकारी आयोजन से पहले होता है, लेकिन साफ तौर पर इन प्रतीकों का इस समाज के लिए, सड़े समाज के लिए कोई महत्व नहीं है, जहां पर 12 साल की बच्ची के साथ न सिर्फ कथित तौर पर दरिंदगी होती है बल्कि कोई उसे एक तन ढांकने को कपड़ा नहीं देता, कोई उसे अपने घर के अंदर लाकर नहीं बिठाता है। अंकित, और ये हालात जैसे आंकड़े अनुराग बता रहे थे उस राज्य के हैं जहां पर लाडली के नाम से इतनी योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं को के ऊपर इतनी बातचीत हो रही है। अनुराग जो आंकड़े बता रहे थे, आप सोच के देखिए कि कितना वहां पर मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर इस पे सवाल उठता है, और जैसा मैंने बार बार कहा ये हम सब पर, समाज के तौर पर हम सब पर सवाल खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। इम्फाल में दो छात्रों की हत्या की तस्वीरें सामने आने के बाद कल रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। यही नहीं, आज पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। हालांकि ये मामला जुलाई का है और मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि दोनों लापता छात्रों के बारे में जांच CBI को सौंपी जा चुकी है। इस बीच एक बार फिर से मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है 1 अक्टूबर तक। 5 दिन पहले ही यह बैन हटाया गया था। आपको बता दें 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 150 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और मणिपुर में अभी भी चिंताजनक हालात बने हुए हैं।
चीन में चल रहे एशियाड खेलों में भारत के लिए एक अच्छी आज का दिन रहा, खबर भी अच्छी रही। शूटिंग में आज भारत ने 2 गोल्ड मेडल जो हैं वो हासिल किए और उसके साथ साथ भारत ने अपनी जो टैली है वो भी बेहतर कर ली है। सिर्फ स्कोर में राइफल में 3 पोजीशन में गोल्ड जीता है। एशियाड में राइफल में पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पर सिर्फ कौर सामरा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। पंजाब में रहने वाली जो शूटर हैं सामरा, उन्होंने शूटिंग में जो के लिए अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी छोड़ी। राइफल 3 पोजीशन में अंशी चौकसी ने भी कांस्य पदक जीता। राइफल 3 पोजीशन टीम ने सिल्वर जो है वो एशियाड में जीता और भारत को अब तक 5 गोल्ड मेडल कुल मिलाकर एशियाई खेलों में मिल चुके हैं। चलिए जाने से पहले आपको बता दें कि रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े जानकारों के मुताबिक भारत 2030 में रियल एस्टेट की बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो भारत के जीडीपी का करीब 13% हिस्सा होगा। कोविड काल के बाद रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एनडीटीवी इस पर दिन भर का एक कॉन्क्लेव 29 सितंबर शुक्रवार को आयोजित कर रहा है, जहां पर हम आगे की राह परखने के लिए कारोबार के जाने माने दिग्गज, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री और कई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखना ना भूलिए कि किस तरीके से आप भी अपने घर का सपना साकार कर सकते हैं।